गाइस, आज से कुछ साल पहले हमारी एक बहुत ही प्रिय मित्र होती थी पायल जोन। एक्चुअली आई डोंट वांट टू से हर नेम बिकॉज़ आई कॉल हर पागल जोन। बहुत समय हो गया, हमारी दोस्ती टूट गई। मैंने उस पे एक बहुत ही प्यारा ट्रैक निकाला था जिसका नाम था पागल जोन डिस ट्रैक। पायल जोन नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने उस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने आज डिसाइड करा कि भाई 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 It's time to see वो actually कर क्या रही है। तो मैंने ये पायल जोन लिखा और सर्च मारा और भाई साहब ये पायल जोन तो भाई पायल एक्चुअली पागल हो रखी है। वीडियोस देख लो इसकी, मिथपैट डिमांडेड डाउरी फ्रॉम उर्मिला। अबे यार अभी तो इनकी शादी हुई है, मिथपैट वाइफ उर्मिला इज मिसिंग। अबे यार क्या कर रही है भाई, तू पागल लड़की है भाई। रीजन बिहाइंड मिथपैट एंड उर्मिला मैरिज इज हर प्रेगनेंसी। वाह वाह दीदी वाह वाह। I'm so sorry, कोई कहेगा मैं जान कैसे रहा हूँ। मिथपैट और उर्मिला की शादी में सब यूट्यूबर्स नाचने लगे और तेरे को बुलाया था। मतलब मैं कह रहा हूँ उनकी शादी हो रही हो ना, तेरे को वहाँ बर्तन साफ करने के लिए बिना बुलाया। तेरे को कौन बुलाएगा भाई। 18 मिस्टेक प्रगति और सौरभ के गाने में। वाह वाह दीदी वाह वाह वाह। बट काफी समय हो गया है, हम नहीं दिख रहे इसके चैनल पे, ना निश्चय दिख रहा है ना मैं। क्यों? अच्छा हाँ, निश्चय ने इसको बोल देता ना कि अगली बार तुमने वीडियो बनाई तो चैनल उड़वा दूंगा। बट इसने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जो मुझे गलती से रिकमेंड हो गई। ट्रिगर्ड इंसान एंड फुगरा इंसान केम टू माय हाउस। कुत्ता पाल लो, गधा पाल लो, गलत फैमिली पाल लो, बट कभी भी एक पायल जोन जैसी पागल लड़की अपने घर में मत पालो। ये दोनों भाई तो घर तक आ गए। सो मच लव है हमारा आपके लिए, तो हमने सोचा आपके घर आना तो बनता ही है ना। तो आओ देखें क्या वीडियो बनाई है इसने, किसकी वीडियो उठा के वीडियो बनाई होगी। मतलब ये एक ऐसी क्रिंज लड़की है जो दूसरों की वीडियो उठा के वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो उठा देता है और यूट्यूब इसको क्लेम नहीं देता। पहले ये बताओ, ये साले 1.5 लाख 2 लाख लोग जो इसको देख रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भाई कि तुम ये देख रहे हो, फिर तुम कहते हो हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। कैसे करेगा सालो ये देखोगे तो। मैंने तो एक्चुअली देखना बंद कर दिया था, बस वीडियो बनाने के चक्कर में आया हूँ कि ये जो 1.5-2 लाख लोग भी देख रहे हैं, बस भाई थोड़ा शर्म करो, भगवान से डरो। फुकरा इंसान आप दोनों प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत बोलना प्लीज। वीडियो चालू करने से पहले यू गाइस रिमेम्बर परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, वीडियो को डिसलाइक करना। आर यू कॉमेडी मी? भाई 3600 कमेंट्स करो यार, और पहला ही कमेंट है 1 लाइक इक्वल्स टू 69 स्लैप्स टू पागल जोन। और ये कौन सा गधा ब्रांड है जो इसको इंटीग्रेशन दे रहा है। हे मेरे मालिक रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग कैसे से लोग हैं भाई। लेजेंड्स नो दैट वॉन्डरर्स हब हाउस। हाँ भाई ऑब्वियसली किसी की वीडियो तो उठानी थी, प्रेरणा दीदी के घर जब हम गए होंगे वो वीडियो उठा लिया। तो आओ देखें, आज मेरे घर पे आने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़े यूट्यूबर, एक्चुअली एक नहीं दो बड़े यूट्यूबर्स जिनके नाम आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे, ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान। सो बेसिकली हम लोग साथ में एक चैलेंज वीडियो बनाने वाले हैं। ये चैलेंज वीडियो भी आएगा मेरे चैनल पे भी एंड उनके चैनल पे भी, तो मैं नहीं बता सकती कि हम क्या चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो आप हमारी चैलेंज वीडियो नहीं देखोगे। तो अभी मैं आपको चैलेंज तो नहीं बता सकती, लेकिन जो भी आएगा बहुत ज्यादा मजेदार आएगा एंड हम लोग साथ में मिलकर चैलेंज करेंगे। तो भाई आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को। ये देखो नाक के नथुने देख लो, मैं हूँ पायल जोन नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद मेरा करियर है गॉन। उसके बाद जो ये कैमरे का फिल्टर यूज करती है, ओहो हो भाई एक कील मोहर से नहीं दिखता, ऐसे चिकना चेहरा करके। अब देखो गाइस हमारे पास जिंदगी में कोई काम नहीं बचाता, तो हमने डिसाइड करा हम पागल के घर जाने वाले हैं। तो आओ चले पायल जोन के घर, आइए देखते हैं मजा आएगा। अच्छा लग रहा है, अंदर से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे साथ चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे ना थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, मुझे घबराहट सी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान मेरी मम्मी को कुछ ना बोल दे, मुझे मेरी मम्मी से बहुत डर लगता है। मतलब बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत डर लगता है, तो मेरे को ये लग रहा है कि कहीं मेरी मम्मी को कुछ ना बोल दे, कहीं मेरी मम्मी से मेरी चुगली कर दे कि आपकी लड़की तो हमारे पीछे पड़ी रहती है यूट्यूब पे। ओहो यही काम रह गया हमारा जाके। आंटी जी आपको पता नहीं है आपकी बेटी क्या कारनामे कर रही है आपकी पीठ पीछे। आंटी जी भी समझदार होंगी, ये तो देख लेंगे कि मेरी बेटी कितनी नालायक है, यूट्यूब पे क्या करती रहती है। यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बना, लेकिन अपने लिए बना, दूसरों। हाँ तेरी मम्मी ने इतना समझदारी बात करी है, तेरे में समझदारी कब आएगी। मत बोलना ऐसे, बोला था लेकिन तू तो लोगों को जिंदा मार देती है, पता ही है। मैं तो ऐसे करती हूँ, किसे बाल हिला रही है जैसे बहुत प्राउड वाला काम कर रही है।
हाँ फिलहाल मेरे को गाइस थोड़ी से घर की सफाई करनी है क्योंकि घर अच्छा दिखना चाहिए। मेरे घर भी ऐसे करियो, झाड़ू पोछा मार के जाइयो, ठीक है? हमारे घर पे मेहमान आता है तो भाई फटाफट सफाई करते हैं। इसी गाड़ी में आए हैं ट्रिगर एंड फुकरा इंसान। हमने पोलो कब खरीदी भाई? पोलो और उसपे तो हम फिट भी नहीं होंगे, पर भाई देख रहे हो लड़की का दिमाग अपनी घड़ी की गाड़ी मतलब अपने घर के नीचे मतलब बालकनी में गई। अरे बोलना भी नहीं आ रहा, किसकी शक्ल देख ली मैंने आज, मेरा दिन कितना बुरा जाने वाला है। हे भगवान रहम करी। बट एक्चुअली में भाई लड़की ने इतनी मेहनत करी है बालकनी में, कहीं देखिए ये सामने गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी में आया भाई, हमारा सर भी नहीं आएगा उस गाड़ी में। ये रहे आपके प्यारे ट्रिगर इंसान, ये रहे फुकरा इंसान, एंड साथ में अंकल जी भी आए क्योंकि अंकल जी फ्री थे तो वो भी आ गए। अंकल जी तो वेले है, तेरे ही घर तो आना बाकी है, पायल के घर आएंगे अंकल जी, बस अंकल की जिंदगी में यही रहेगा। देख अच्छी बात है, एंड यहाँ पे गाइस ट्रिगर इंसान तो फोन ही चलाए जा रहे हैं, एंड मतलब सोफा इनको बहुत अच्छा लग रहा है हमारा। गुड नाइट, सो जाओ आप यहीं पे। ये मेरा छोटा सा सेटअप है, मतलब इसमें बस लैपटॉप ही है। आपको मेरा लैपटॉप यूज करके कैसा लगा सच बताना? अच्छा तो फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, आप अपना पूरा सेटअप मेरे को दे दो एंड मैं अपना सेटअप आपको दे देती हूँ। यहाँ मस्त फोन चलाया जा रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप लोग घर बैठे। भाई मैं सबसे गुस्सा बताए इसी चीजों में चढ़ता है जब इंटीग्रेशन देते हैं ना लोग ऐसे, इसको भाई ऐसे एप्स को कभी डाउनलोड भी नहीं मत करना क्योंकि इसने प्रमोट कर रखा है। गाइस मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान अभी मेरे घर के अंदर मौजूद है, सो अभी फिलहाल हमें बाहर जाना है चैलेंज करने के लिए, तो उन सब लोगों ने दूसरे कपड़े पहन लिए जो पहन के आए थे, दूसरे कपड़े पहन लिए, कपड़े चेंज करने का भी रीजन दे दिया भाई लड़की ने, सब दूसरे और नए कपड़े पहन रहे तो मैं भी तो नहीं पहनूंगी ना, तो भाई अभी फटाफट से निकलना है बाहर जाना है चैलेंज के लिए। चलो चलो चैलेंज करने। सो गाइस हम लोग चैलेंज के लिए बाहर आ, ओ भाई ये क्या पागल लड़की है भाई, इसने वंडर सबकी एक वीडियो उठाई उसका क्लिप उठा लिया और अब इसने पूरी वीडियो बदल दी, ये मेरी लिविंग लाइक सेलिब्रिटी वाली वीडियो जिसमें लिमोजिन लेके आया था, मेरे दोस्त भी ले लिए। ओहो एंड चैलेंज में ये दोनों जने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चैलेंज काफी इनका नाम बता दे तू। पहला जो चैलेंज का पार्ट है वो इस गाड़ी के अंदर होगा, तो अभी हम इस गाड़ी के अंदर जाके थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। ये रहे फुकरा इंसान, सब लोग ना गाड़ी देख के चौंक रहे थे क्योंकि बहुत ही बड़ी गाड़ी थी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी गाड़ी, तो सब लोग देख रहे थे। एंड दूसरा जो पार्ट है वो होटल में होगा, तो भाई अभी पहले हमें होटल में भी चलना है, वहां पे भी चैलेंज को कंप्लीट करना है। ये हम आ गए होटल में एंड ये गाड़ी में बैठाना छोड़, इस गाड़ी पे तो कपड़ा भी नहीं मारने दूंगा मैं पास उनको। दूसरा वाला पार्ट होगा इसी चैलेंज का, तो जगह तो बहुत ही ज्यादा पायल जोन, नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर गोन, पायल जोन नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर गोन। सेकंड पार्ट कंप्लीट करके अब हम वापस जा रहे हैं, रस्ते में हमें मिलेंगे ट्रिगर्ड इंसान जो कि चैलेंज के थर्ड पार्ट में हमारा साथ देंगे। कौन सा चैलेंज, कहां का चैलेंज? ट्रिगर्ड इंसान भी मिल चुके हैं एंड यहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान जो है चैलेंज से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, वो बात मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ वरना आपको पता चल जाएगा कि ये सारे चैलेंज किस बारे में होने वाले हैं, जो कि मैं नहीं चाहती क्योंकि वो एक सरप्राइज है। तो मैं चैलेंज ये आप अभी आगे वॉन्डर सबको भी लाएगी है, शॉपिंग करनी थी उन्हें, परफ्यूम खरीदना था तो मैं भी उनके साथ आ गई। हाँ मेरी जिंदगी में ना भाई गाइज यही बचा था कि मैं परफ्यूम की शॉपिंग करने जाऊँ और पायल जोन को लेके जाऊँ, क्योंकि भाई साहब ये भी तो देखना कि इतनी सारी जो बदबू पायल जोन से आ रही है वो परफ्यूम लेके ना, जिससे उसकी बदबू ना आए हमारे को। बढ़िया बढ़िया एक इधर फुकरा इंसान अपने चेहरे की मसाज एंड फेशियल वगैरह करवा रहे हैं क्योंकि इनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ मॉल में तो टाइम मिल गया इनको, तो इन्होंने यहीं पे ही सब कुछ करवा लिया, देख सकते हैं आप लोग। ओके तो मजा आ गया। ओए भाई मेरा फेशियल भी निकाल दिया अगली ने साफ बता दिया कि वैसे तो इनको बहुत टाइम नहीं लगता, बट अब इनको टाइम लगा तो इन्होंने सोचा फेशियल भी करा लो। और पायल जोन को तो मैं अपनी गोदी में लेके फिर रहा था, पायल बेबी मेरे पीछे चल लो, पायल जी मेरी गोदी में बैठो, यही रह गया मेरी जिंदगी में और तो कुछ बचा ही नहीं, पायल जोन को लेके घूमूंगा जगह जगह पे। अरे वाह, इधर चल रही है हेड मसाज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पायल जी। सो भाई यहाँ पे हेड मसाज चल रही है, कितना रिलैक्सिंग लग रहा है। अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफी देर से कुछ खाया नहीं है, ये देख लो भाई पैसे वाले लोग, ये देख लो भाई पैसे वाले लोग, वाह वाह दीदी वाह। वापिस निकल गए गाइस हम लोग घर पे चलने के लिए, चलो भाई। ओहो गए तो लिमोजिन में थे, आए हम क्या सियाज में? जा रहे हैं घर की तरफ, मैं अपनी गाड़ी के
शीशे से हाथ बाहर निकाल, गाड़ी के शीशे, ऑटो की आवाज आ रही है, गाड़ी की शीशे बोल रही है, यार ये क्या लड़की है यार। क्योंकि बाहर का नजारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सीरियसली कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना एकदम, बहुत सुंदर लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ओके सो मैं वापस आ गई हूँ चैलेंज के बाद से एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब चैलेंज तो बहुत ही मजेदार। कौन सा चैलेंज करा मैंने तेरे साथ, मुझे वीडियो दे पहले, प्रूफ दे यार। एक तो ये प्रेरणा दीदी की वीडियो और मेरी वीडियो का कॉम्बिनेशन बना के एक वीडियो बना लिया, ये यूट्यूब है, यूट्यूब कॉपीराइट क्यों नहीं देता इसको, ऐसे ही बस पायल जोन की वीडियो और नहीं देख सकता। मैं एक्चुअली बस ये देखना चाहता था कि वो इस वक्त कर क्या रही है यूट्यूब पे, और जो वो कर रही है ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई करो, पायल जोन जैसी हरकतें मत करो, प्लीज 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 प्लीज, आई आई एम डन गाइस, आई एम सो सॉरी। ये पता नहीं कितने मिनट की वीडियो डालूंगा, कट काट कूट दूंगा भाई, क्या ही लड़की है यार। आज के बाद इस पे नो वीडियो, बाय।